छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में ओबीसी प्रत्याशी मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा ने चुनकर 2024 के आम चुनावों के लिए शतरंज की बिसात बिछा दी है। तो वही दूसरी ओर ऐसे समय में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग जोर शोर से उठाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे का लक्ष्य सिर्फ मध्य प्रदेश के ओबीसी वोट बीजेपी के पक्ष में लेना ही नहीं है, बल्कि यूपी में सपा के यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाना है, क्योंकि बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर यूपी बिहार के यादवों के लिए एक संदेश दिया है कि अगर यादव बीजेपी के साथ आएंगे तो पार्टी उन्हें भी जरूर निश्चित रूप से मौका देगी। बीजेपी का यादवों के वोट बैंक को अपनी ओर खींचने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के चलते इन राज्यों में यादवों का वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा है, जबकि इन दोनों राज्यों में यादवों की संख्या बहुत अच्छी खासी मात्रा में है। ऐसे में इतने बड़े तबके से पार्टी का दूर रहना बीजेपी के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा था, इसलिए पार्टी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाकर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। अगर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं तो और मोदी को लोकसभा चुनाव से संबंधित इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभानी होगी। बता दें, पार्टी ने मध्य प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, राजेंद्र शुक्ला जो ब्राह्मण नेता है, जगदीश देवड़ा जो दलित नेता है। इस दौरान पार्टी 2024 में होने वाले चुनाव से पहले जातिगत संतुलन बिठाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर पार्टी के सभी बड़े नेताओं को ये संदेश दिया है कि किसी भी शख्स का कोई प्रेशर कहीं काम नहीं करेगा, पार्टी जो चाहे वो अपनी मर्जी से करेगी, पार्टी अपने हित के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकती है। नेतृत्व ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्ण निष्ठा और समर्पण से काम किया है उन्हें बड़े पुरस्कार मिल सकते हैं। बीजेपी किसी भी तरह की सहानुभूति से चलने वाली पार्टी नहीं है, ये पार्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। उसके कुछ समय बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। बता दें, मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चयन में भाजपा नेतृत्व द्वारा सभी को चौंका देने वाली कपकपाहट राजस्थान में भी महसूस हो रही है। ऐसे में देखने लायक होगा क्या 2023 के विधानसभा चुनाव का असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कितना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। शुक्रिया।